एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सूर्या नाम का एक युवक रहता था। सूर्य अपने सौम्य स्वभाव, दयालु हृदय और सभी जीवित प्राणियों के प्रति अटूट करुणा के लिए जाने जाते थे। हालांकि अपने सकारात्मक गुणों के बावजूद सूर्या अक्सर खुद को अकेलेपन की गहरी भावना से ग्रस्त पाते थे। एक दिन जब सूर्य अपने अकेलेपन से राहत पाने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने एक बुद्धिमान बूढ़े भिक्षु को वहां से गुजरते हुए देखा। भिक्षु की शांत उपस्थिति से प्रभावित होकर सूर्या उसके पास आया और अकेलेपन की अपनी भावनाओं को साझा किया। भिक्षु ने ध्यान से सुना और सूर्या की आंतरिक उथल पुथल को समझकर मुस्कुराया। भिक्षु ने कहना शुरू किया, अकेलापन एक सामान्य पीड़ा है जिसका अनुभव कई प्राणी करते हैं। हालांकि यह विकास और आत्मखोज का एक अवसर भी है। मुझे आपके साथ एक कहानी साझा करने की अनुमति दें, ज्ञान की एक कहानी जो शायद अपना मार्ग रोशन करे। भिक्षु की कहानी सुनने के लिए बैठते ही सूर्य की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। एक बार एक दूर देश में सिम्बा नाम का एक युवा शेर का बच्चा रहता था। सिम्बा का पालन पोषण उसकी माँ ने किया, जिसने उसे प्यार से जीवित रहने और ताकत के तरीके सिखाए। हालांकि अपनी शारीरिक शक्ति के बावजूद सिम्बा को हमेशा अपने भीतर एक गहरा खालीपन महसूस होता था। दिल वह साथी के लिए अपने अनुभवों और जीवन की यात्रा को साझा करने के लिए किसी के लिए तरस रहा था। एक दिन उत्तर की तलाश में भटकते हुए सिम्बा सुगंधित कमल के फूलों से घिरे एक शांत तालाब पर ठोकर खाई। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, उसने एक और शेर का प्रतिबिंब देखा जो उसकी हर हरकत को प्रतिबिंबित कर रहा था। उत्साह से अभिभूत सिम्बा को विश्वास हो गया कि उसने ऐसा किया है। आखिरकार एक साथी मिल ही गया। वह आगे झुक गया, यह उम्मीद करते हुए कि प्रतिबिंब उसका स्वागत करेगा। इसके बजाय पानी में लहरें उठीं और प्रतिबिंब गायब हो गया। भ्रमित और निराश सिम्बा हताशा में दहाड़ने लगा। अचानक एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ पानी से बाहर आया और धीरे से उससे बोला। युवा शेर, कछुए ने कहा, आप जिस प्रतिबिंब की तलाश कर रहे थे वह एक भ्रम था। यह गायब हो गया क्योंकि आपने खुद से बाहर साथी की तलाश की थी। सच्ची संगति आपके अपने दिल में है। सिम्बा ने कछुए की बातों को ध्यान से सुनते हुए एहसास हुआ कि उसके अकेलेपन का समाधान बाहरी सहयोग की तलाश में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के साथ गहरा संबंध विकसित करने में है। उस दिन के बाद से सिम्बा ने अकेलेपन को उपहार के रूप में स्वीकार कर लिया। उसने अपने दिन ध्यान करने, अपनी आत्मा की गहराई की खोज करने और आत्मप्रेम और आंतरिक शांति की गहरी भावना का पोषण करने में बिताए। सिम्बा को अब अकेलापन महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसने खोज लिया था सभी का सबसे सच्चा साथी, उसका अपना प्रामाणिक स्व है। जैसे ही भिक्षु ने कहानी समाप्त की, सूर्या का चेहरा एक नई समझ से चमक उठा। उसे एहसास हुआ कि सिम्बा की तरह वह भी अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए बाहरी मान्यता और सहयोग की तलाश कर रहा था। कृतज्ञता के साथ सूर्य ने बुद्धिमान बूढ़े भिक्षु को प्रणाम किया और मूल्यवान सबक के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने उद्देश्य की एक नई भावना के साथ बोधि वृक्ष को छोड़ दिया, आत्मखोज की यात्रा शुरू करने और विकास के अवसर के रूप में एकांत को अपनाने के लिए तैयार हुए। और इसलिए दयालु हृदय वाला युवा सूर्य शेर के बच्चे की बुद्धि और अपने आंतरिक प्रकाश के मार्गदर्शन से लैस होकर दुनिया में आगे बढ़ा। अब वह अकेलेपन से प्रेरित नहीं थे, उन्होंने अपने स्वयं के प्रामाणिक स्व के साथ गहरे संबंध में सांत्वना पाई और उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए।